Kızı bilseydim bu topa hiç girmezdim. Hakkını helal et. Helal olsun kızım. Böyledir işte. Hem ağlarım hem giderim demişler. Söz veriyorum sana. Bu son. Bir daha ağlamayacaksın. Hello friends. Welcome back to my channel with the new promo of Authentically episode 143. सो फाइनली फ्रेंड्स, बहरान और दिलान की शादी इन गीक कल्चर के मुताबिक हो रही होती है। सभी एक साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और दिलान बहरान से कहती हैं कि अगर ये सब एक ख्वाब है तो मैं इसे कभी भी जागने नहीं चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, बहरान दिलान से कहता है कि हमारी मोहब्बत और खुशियाँ कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। और इधर फ्रेंड्स, बहरान की आंटी बहरीन कहती हैं कि अगर किसी को किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो ये पूरी दुनिया भी इन्हें अलग नहीं कर सकती। और फ्रेंड्स, बहरान दिलान से कहता है कि मैं ऐसे ही हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और इधर फ्रेंड्स, दिलान के पापा इससे माफ़ी भी मांगते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, तुम ये सब डिज़र्व नहीं करती थी। होपफुली फ्रेंड्स कि दिलान के पापा इसे ये सच भी बता देंगे कि वो इनकी बेटी नहीं बल्कि इनकी एक फ्रेंड की बेटी है। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स, अंकल हसन भी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हैं। उन्हें लगता है कि अंकल कुदरत सबको इनका सच बता देंगे और इसी खौफ में फ्रेंड्स, हो सकता है कि वो बहरान और दिलान की शादी में कोई ट्रबल क्रिएट करें। और फ्रेंड्स, बहरान दिलान से कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि क्या अंकल हसन बहरान और दिलान की शादी में सच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के मज़ीद नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।